हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब आप अपने घर में ठीक ठाक होंगे। तो भाई शाम के बज रहे हैं 4, तारीख है 29th of June। हम निकले हैं घर से और जा रहे हैं डाउनटाउन सरी की तरफ, और मुझे जाना है लाइब्रेरी, और मेरे साथ अगेन विक्रांत भाई। हाय फ्रेंड्स। और विक्रांत भाई जाएंगे हमारे अपनी सिक्योरिटी की जॉब पर, कुछ काम था नहीं आज, तो हमने सोचा लेट्स जस्ट गो फॉर रीडिंग सम बुक्स। तो भाई कुछ बुक्स वगैरह पढ़ेंगे आज लाइब्रेरी जाके, और आप लोगों को दिखाएंगे क्या सीन है लाइब्रेरीज का यहाँ पे, और डाउनटाउन सरी डाउनटाउन कैसा है और क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोग कर रहे हैं वॉक बस स्टॉप के लिए, और फिर मिलते हैं अब बस स्टॉप पे जाके। अब हम पहुंच चुके हैं बस स्टॉप पर, मेरे पीछे देख सकते हो आप। तो भाई अब बस का वेट हो रहा है, और यहां से जाती है बस नंबर 316 डाउनटाउन सरी की तरफ। तो ये है हमारा कंपस कार्ड, तो बेसिकली ट्रांजिट के लिए ये कार्ड यूज़ होता है यहां पे। हर शहर का अलग अलग सीन है, वैंकूवर एरिया में ये यूज़ होता है, वैंकूवर सरी बर्नबी मतलब जितना भी ग्रेटर वैंकूवर एरिया वहाँ पे कंपस कार्ड यूज़ होता है। तो इसको टैप करो और चलते रहो, और फेयर चार्जेस वगैरह जोन के हिसाब से लगते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट मी नो, एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड सम मोर इन्फॉर्मेशन इन द अपकमिंग वीडियोज़। तो लेट्स मीट यू गाइस इन सरी डाउनटाउन। तो भाई पहुंच गए हैं सरी सेंट्रल, मेरे पीछे देख सकते हो आप सरी सेंट्रल स्टेशन, स्काई ट्रेन स्टेशन। तो अब हम जा रहे हैं जरा बैंक, क्योंकि विक्रांत भाई ने थोड़ा उनको थोड़ा काम है बैंक में, और उसके बाद वो जाएंगे अपने काम पर, और हम लोग चलेंगे लाइब्रेरी। तो विजुअल्स थोड़े दिखाता हूँ आपको, हाउ सरी डाउनटाउन लुक्स लाइक। तो भाई दिस इज हाउ डाउनटाउन सरी लुक्स लाइक, और ये है सिटी सेंट्रल मॉल, उस तरफ वो है SFU, और ये बाकी सब हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो आई ट्राई टू शो यू गाइस अ लिटिल बिट मोर ऑफ डाउनटाउन सरी, थोड़ा वॉकिंग टूर दूंगा आप लोगों को, एंड आफ्टर डैट
we will go to library. तो भाई सरी में मोस्टली हमारी इंडियन कम्युनिटी रहती है, पंजाबी लोग रहते हैं भाई अपने, और दिस इज हाउ इट इज। तो भाई यहाँ पे वेट करना पड़ता है, लाइक अगर आपको उस तरफ जाना है रोड के तो यू हैव टू प्रेस दिस बटन एंड वेट फॉर द लाइट टू टर्न ग्रीन एंड देन यू कैन क्रॉस द रोड। एंड थोड़ा बिजी रहता है डाउनटाउन एरिया एज़ कम्पेयर टू सबब। तो भाई सरी का जो डाउनटाउन है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा डाउनटाउन है। फैसिलिटीज सारी हैं यहाँ पे, मेन डाउनटाउन वैंकूवर डाउनटाउन ही है भाई। तो वहाँ पे भी कभी जाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। और ये मेरे पीछे वॉलमार्ट। तो अब हम लोग चलते हैं लाइब्रेरी और आप लोगों को लाइब्रेरी का थोड़ा हिसाब किताब दिखाते हैं। तो भाई हुआ ये कि अपना सरी सेंट्रल लाइब्रेरी जा रहा था मैं, लेकिन टाइम हो गया था 4:45, तो 5 बजे पब्लिक लाइब्रेरीज बंद हो जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे मैं जा नहीं पाया। तो फिर अब हम आ गए हैं SFU की लाइब्रेरी में। SFU है भाई साइमन फ्रेज़र यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा। तो SFU के सरी के कैंपस की लाइब्रेरी में आ गए हैं। तो आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार कैसी है लाइब्रेरी। A few inches later. भाई शाम के बज चुके हैं 6:30 और 1.5 घंटा लाइब्रेरी में लगाने के बाद अब मुझे लग गया बहुत ज़्यादा भूख। तो अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश स्लाइस पिज़्ज़ा। एक बेसिकली पिज़्ज़ा की रेस्टोरेंट चेन है भाई, काफ़ी ज़्यादा फेमस है कनाडा में और मुझे बहुत पसंद है। तो कनाडा में जो भी लोग नए नए आ रहे हो, डू ट्राई फ्रेश स्लाइस पिज़्ज़ा, बढ़िया है, मुझे तो बढ़िया लगता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो आई विल सी यू देयर नाउ। तो भाई पिज़्ज़ा लिया है मैंने, खा, और अब बात करते हैं भाई पब्लिक लाइब्रेरीज़ की। तो भाई पब्लिक लाइब्रेरीज़ का सीन यहाँ पे मतलब बहुत सही लगता है मुझे। तो मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बढ़िया बैठ के अपना
पढ़ वढ़ सकते हो, अपना कॉलेज का काम कूम कर सकते हो, और बढ़िया एनवायरनमेंट होता है, शांत एकदम काम। और पब्लिक लाइब्रेरीज 5 बजे बंद हो जाती हैं, इसलिए मैं आज SFU की लाइब्रेरी में गया था। और लाइक अगर आपको कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह निकलवाने हैं तो वो भी आप लाइब्रेरी से निकलवा सकते हो यहाँ पे, और बुक्स वगैरह भी इशू करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लाइब्रेरी के कार्ड बनवाने पड़ेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और इनफैक्ट कार्ड के अंदर स्टार्टिंग में आपको लाइक $5 प्रोवाइड भी करते हैं ये, और उसके बाद आप लाइक अगर वो $5 ख़त्म हो जाए तो आप अपने मतलब और लोड कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे जैसे आपको नीड है, और यूज़ कर सकते हो। तो सस्ता होता है बाहर के हिसाब से अगर प्रिंट आउट लाइब्रेरी से निकलवाओगे। तो मेरे पास लाइक 2 लाइब्रेरीज के कार्ड हैं, एक ये है सरी लाइब्रेरी का, और एक ये है बर्नबी पब्लिक लाइब्रेरी का। और वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी भी गया हुआ हूँ मैं, लाइक एक तो जब मैं पहले वैंकूवर रहता था वहाँ पे भी थी घर के पास, और एक लाइब्रेरी भाई डाउनटाउन में है, वो बहुत सही बनी हुई है, लाइक प्रॉपर उन्होंने रूफटॉप वगैरह बनाया हुआ है, लाइक बहुत ही सही एनवायरनमेंट। तो डाउनटाउन जब जाऊँगा तो कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जाके आप लोगों को लाइब्रेरी दिखाऊँ। तो भाई ये वाली जो बिल्डिंग है इसके अंदर ड्रगीज रहते हैं, गवर्नमेंट ने इनको लाइक प्रोवाइड की हुई है जगह रहने के लिए, लेकिन ये फिर भी टिकते तो हैं नहीं, घूमते फिरते रहते हैं रोड के ऊपर, अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। मेरा फेवरेट पार्क है, और अब मैं यहाँ पे बैठूँगा, सनसेट का वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जब थोड़ा सनसेट होता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे सनसेट होता है 9:30 बजे तक, तो वेट करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई टाइम हो गया है 8:30, और सनसेट तो अभी तक हुआ नहीं भाई, और मेरे रूममेट का मुझे कॉल आया था, तो उसने दे दिया है मुझे एक टास्क, तो इसलिए अब आज बिना सनसेट विटनेस किए मुझे जाना पड़ रहा है, तो अब उसका काम करूँगा और फिर घर जाएंगे। तो बताता हूँ आप लोगों को आगे कि क्या करना था मुझे, मतलब क्या टास्क दिया उसने, तो फिर बने रहो, स्टे ट्यून्ड। तो भाई 10 मिनट वॉक और एक बस लेने के बाद मैं पहुंच गया था 96 एवेन्यू की मार्केट, जो कि हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो वहाँ से उठाने थे मुझे ये टिफिन्स जो कि मेरे रूममेट्स के हैं, ये टास्क दिया था उन्होंने मुझे, और अब मैं जा रहा हूँ वॉक करके घर। तो मिलेंगे जल्द ही अगले मज़ेदार व्लॉग में। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और गलतियां इग्नोर करो।